नहीं मिस करे हैं तो ठीक है आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर मिस किए हैं तो ठीक है मतलब हो जाएगा। एक मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा कि ये वाला पैटर्न किया है, इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब डिनोमिनेटर में साइन और कॉस में लीनियर बन, मतलब जो पैटर्न है यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ, वन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। ये वाला तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स का टेन एक्स बाय टू में कन्वर्ट करने के लिए। साइन एक्स बाय टू को साइन एक्स को लिख सकते हैं अपन टू टेन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हो आप वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये मेरे हिसाब से कवर तो हो गया होगा, पर भी मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा अपने, ठीक है। अब जब आप एलसीएम लोगे, हाँ याद आ गया, कर लिया किया हुआ है, ठीक है, पर भी आप जस्ट रिवीजन के लिए लिखो इंटीग्रेशन अब वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू ऊपर चला जाएगा एलसीएम देने के बाद, डिनोमिनेटर में आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू किसकी जगह, इस वन की जगह पूरा ये आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू होगा, प्लस साइन एक्स की जगह टू टेन एक्स बाय टू, और कॉस एक्स की जगह वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। मैंने एलसीएम लेकर डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। एलसीएम आप देखोगे तो ये एलसीएम आएगा, और ये एलसीएम आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अब सिंपल है, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, यू आर लेफ्ट विथ सेक स्क्वायर एक्स बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टेन एक्स बाय टू, 2 प्लस 2 टेन एक्स बाय टू। अब बस खत्म, टेन एक्स बाय टू को इनपुट कर दोगे या पूरे डिनोमिनेटर को इनपुट कर दोगे तो क्वेश्चन हो जाए, 2 प्लस 2 टेन एक्स बाय टू को इनपुट कर दो एम, तो sec स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी एम। तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एम ln ऑफ मॉड ऑफ एम, एंड देयरफॉर दिस इज ln ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस 2 ऑफ 10 एक्स बाय 2 प्लस सी, दैट इज योर फाइनल। तो कहीं भी आपको कोई भी इस टाइप का लीनियर वाला पैटर्न मिल रहा है डिनोमिनेटर, कन्वर्ट करो 10x by 2 में सॉल्व। तो कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो कवर करूंगा मैं आज, तो आज की क्लास में अपन खत्म करते हैं। हाँ इसको लिखो ना बेटा, पूरा लिखो, इसको पैटर्न भी लिखो। वैसे तो लिखा हुआ होना चाहिए जहां तक मुझे याद है, कवर किया है अपन को, ठीक। दिस इज द पैटर्न, Thank you.
हाँ दिस इज द फर्स्ट पेज राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो आपने एक क्वेश्चन तो किया था, वैसे हमने क्वेश्चन किए थे कौन से वाले, इस टाइप वाले, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे आप देखोगे ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन क्यूब, तो इसके लिए हमने कुछ इस टाइप से मैनेजमेंट किया था कि इसको साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर देता हूँ और एक साइन एक्स को अलग लेके आ जाता हूँ। थोड़ा सा अपन ने दिमाग चलाया है, दिमाग इसीलिए चलाया है क्योंकि ये साइन एक्स जो होता है ना कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, और जो बची हुई चीज है ये तो ऑलरेडी कॉस एक्स है और ये भी कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वी कैन कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू कॉस स्क्वायर राइट। तो दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स आपके पास ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको कॉस एक्स को इनपुट कर देना, कॉस एक्स को इनपुट कर देना, तो साइन एक्स डी एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस डी एम आ जाएगा दोस्तों। तो बस ये माइनस बाहर, 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू डी एम आ जाएगा, मतलब ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है ये पूरी माइनस डी एम आ जाएगी, तो माइनस यहाँ और डी एम। तो अब आराम से इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, माइनस ऑफ एम क्यूब बाय 3 आ जाएगा और प्लस एम की पावर 5/5 आ जाएगा प्लस सी। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा कि क्या है, मान लो अगर यहाँ पे कॉस क्यूब होता, ये कॉस क्यूब होता और ये साइन स्क्वायर होता, तो हम क्या करते, हम कॉस को डीएक्स के साथ ले जाते और साइन एक्स को डी पुट करते। तो इसी का एक वर्जन में लिख देता हूँ कि व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू द पावर एन एक्स इंटू कॉस रेस टू द पावर एन एक्स डीएक्स, जैसे यहाँ पे एम की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 2 थी। अगर कोई भी ऑड नंबर, अगर कोई भी ऑड नंबर है, कौन सा, एम या एन, इसको ऐसे मत लिखो, अगर एम ऑड तो कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट कर दो, जो कि अपन ने यहां पे पुट किया था, और अगर एन ऑड है तो साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर दो, और दोनों ऑड है तो फिर कुछ भी पुट कर दो चलेगा, कॉस एक्स भी टी पुट कर दोगे तो चलेगा, या फिर और साइन एक्स भी ट्यूब पुट कर दोगे तो भी चलेगा, ऑड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑड नहीं तो हमको यहाँ पे बचाया भी है। देखो आप यहाँ पे ये जो ऑड नंबर था यही तो इसके साथ चला गया, अगर दोनों ऑड रहते तो किसी को भी कन्वर्ट कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना आपस में कन्वर्शन, ये तो ऑड आ गए तो क्या है ना, ये केस हो गया जब एम और एन दोनों में से एक या दोनों के दोनों ऑड है, तो जो ऑड वाला है उसको पुट कर दो, अपना काम चल जाएगा। क्वेश्चन हम कर चुके थे, हमने इस तरीके से लिखा नहीं था इसको, तो बस उसको याद रखो।
अब यहाँ पे क्या ना, कभी कभी क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताता हूँ आपको। एम एंड एन आर इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, मतलब अगर कॉस स्क्वायर है और साइन की पावर 4, देन कन्वर्ट हायर पावर इनटू हायर एंगल्स। मैं क्वेश्चन कराता हूं, हायर पावर इनटू हायर एंगल्स, जैसे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, इसको इस पे वापस आऊंगा, बट मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ उसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो अब इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स द होल का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा आपके पास साइन टू एक्स का स्क्वायर वन बाय फोर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स इसको इसको लिख सकते हैं अपन लोग वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू। हाँ वो बताऊंगा बेटा, प्रीवियस पेज वापिस आऊंगा, बस इसका एग्जांपल बता। तो ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस ये आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो साइन स्क्वायर को मैंने आपको पहले भी बताया था, साइन स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 1 - cos 4x/2। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में आ गया, और प्लस इसमें सब्सटीट्यूट कर दो साइन टू एक्स को, कॉस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी एम बाई टू। तो ये कॉस, ये दोनों मिलके एम के साथ हो जाएगा, ये एम स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों का इंटीग्रेशन इंडिविजुअल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं बताऊंगा लास्ट वाला। हायर एंगल्स में हम लोगों ने चेंज किया, एंगल एक्स था, अब देखो फाइनली हम 4x पे कन्वर्ट कर दी, और अब इंटीग्रेशन इजीली इंडिविजुअली अपना अपना हो जाए। वन बाय फोर कैसे आया, इसमें क्या आ रहा, देखो सिंपल शुरू से देखो, स्क्वायर था ये, पावर फोर थी, स्क्वायर लेके आ गया, और ये कॉस स्क्वायर अलग से लिख दिया। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन टू एक्स बाय फोर लिख सकता हूँ, टू साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन टू एक्स, तो ये पूरा ये कन्वर्ट हो गया इसमें और इसमें, और ये कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1 + cos 2x/2। हाँ ये 1/2 भी आएगा, सही बात बोल, ये 2 भी यहाँ है, ठीक है। और उसके बाद में क्या किया, दोनों का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, 1 - cos 4x/2 लिख के 1/2 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट cos 4x का भी फॉर्म,
इसमें साइन स्क्वायर टू एक्स है और कॉस टू एक्स है, तो साइन टू एक्स को इनपुट कर देना इसमें, तो कॉस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी एम बाई टू हो जाएगा, तो एम स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो पावर इवन रहेगी ना तो थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, पावर ऑड रहेगी ना जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, पावर ऑड थी तो कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा केस है जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया कि एम और एन अगर इवन नेचुरल नंबर है तो। एक और केस आता है एम प्लस एन अगर नेगेटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इवन इंटीजर एम प्लस एन अगर नेगेटिव इवन इंटीजर होता है तो टेन एक्स को टी पुट करना, टेन एक्स इज इक्वल टू एम या फिर कॉट एक्स इज इक्वल टू एम, ये भी एग्जांपल में लूंगा। तो ये दो केस, तो ये तो इसी पेज पे, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे बताया था, ये अभी बताऊंगा। बेटा ये तो थोड़ा सा करो ना इसमें, तो इसके बाद तो एकदम नॉर्मल मैथ्स लग रहा है, इस स्टेप के बाद तो एकदम नॉर्मल मैथ्स लग रहा है इसमें, फिर आपको कोई पैटर्न से मतलब नहीं है। साइन स्क्वायर टू एक्स को मल्टीप्लाई करो पहले वन से, ये आ जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, दोनों को इंडिविजुअल करो, इसको कैसे करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू लिख दिया, इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे साइन स्क्वायर को एम पुट किया तो कॉस टू एक्स डी एक्स डी एम हो जाएगा। अब जो मैं आपको ये वाला जो थर्ड वाला पैटर्न बोल रहा था वो यहाँ पे साइन की पावर वन बाय थ्री एक्स कॉस की पावर माइनस सेवन बाय थ्री एक्स, नेक्स्ट पेज नहीं है बेटा, यही है इसके बाद में। हाँ ठीक है वो बताता हूँ पहले, अब इसको अब यहाँ पे जब आप इसको ऐड करोगे वन बाय थ्री और माइनस सेवन बाय थ्री, देखो कितना वन बाय थ्री माइनस सेवन बाय थ्री माइनस टू, इवन नेचुरल नंबर आ रहा है जिससे यहाँ पे नेगेटिव इवन इंटीजर, अभी नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है तो हमको क्या पुट करना है, टेन एक्स को डी पुट करना है, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी एम हो जाए, ठीक है। और जो ओरिजिनल मेरे पास क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, इसको लिख देता हूं साइन की पावर वन बाय थ्री एक्स डिवाइडेड बाय कॉस की पावर वन बाय थ्री एक्स इनटू कॉस की पावर वन बाय थ्री एक्स इनटू कॉस की पावर माइनस सेवन बाय थ्री एक्स, मतलब मैंने ये नई चीज आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, क्यों करी आपको देखना मतलब समझ में आएगा। ये तो हो जाएगा आपका टेन की पावर वन बाय थ्री एक्स, तो टेन एक्स को डायरेक्ट एम ले ही रहे हैं, और जब इन दोनों को देखोगे तो कॉस की पावर आएगी माइनस cos की पावर माइनस टू, मतलब sec स्क्वायर एक्स,
ये दोनों मिलके हो जाएंगे आपके पास sec स्क्वायर एक्स। राइट, क्योंकि पावर आप ऐड करोगे तो 1/3 और -7/3 मिलके -2 हो जाएगा, नीचे आएगा 1/ में cos स्क्वायर एक्स व्हिच इज sec स्क्वायर एक्स। तो बस अपना काम हो गया, ये हो जाएगा m की पावर 1/3 और ये पूरा dm। तो आपका आंसर आ जाएगा m की पावर 4/3 3/4 प्लस c। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4 की पावर 10 4/3 x प्लस c। बट ये चीजें ऐसी हैं जो याद होनी चाहिए, मतलब ठीक है जब तक नहीं याद रहेंगी तब तक नहीं होगा कुछ। नहीं, ये जो मुझे लग रहा है शायद जो हमने मिस कर दिए हैं वो बता रहा हूँ, थोड़े अच्छे भी हैं। जेई मेंस पर्टिकुलरली पूछे नहीं पूछे शायद नहीं पूछता है, बट ठीक है हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट टाइप नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ये शायद कुछ पार्ट है इस तरीके से नहीं करवाया। अब जैसे इसका एक पार्ट वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था जो जनरली जेई मेंस पूछ सकता है, जैसे ये बात, ये क्वेश्चन हमने किया था पहले, मैंने ये बचे हुए ये दोनों वाले पैटर्न नहीं करवाए थे, ये नहीं पूछेगा जेई मेंस जहां तक 99% चांसेस है। बट ठीक है, आप बुक खोलोगे तो बुक्स में आपको मिलेंगी ये सारी चीज, तो इसीलिए मैंने बता दिया। पढ़ जाऊं आगे, वो जो पैटर्न है बेटा उसी पैटर्न पे स्टिक करो, क्योंकि मैंने बोला ना इंटीग्रेशन में तो ऐसे भी फंक्शन है जो इंटीग्रेबल नहीं है। तो अगर m प्लस n और कुछ होगा तो क्या होगा, ये तो क्वेश्चन ही बताएगा, जब क्वेश्चन सामने आएगा सॉल्व करेंगे जब ही कर पाएंगे। ठीक है, चलो एक और पैटर्न बचा था जो मैंने नहीं कराया था, 1/(1/), मान लो कभी इस टाइप के क्वेश्चन आया आपके पास, x माइनस 3 ये वाला क्वेश्चन है ना, मतलब बोले तो किस टाइप का पैटर्न है ये, 1/(ax + b) √px + q, मतलब लीनियर लीनियर का कॉम्बिनेशन है, या फिर 1/(ax² + bx + c) और अंदर px + q, मतलब डिनोमिनेटर में रूट के अंदर एक लीनियर है और डिनोमिनेटर में ही रूट के बाहर मल्टीप्लिकेशन में या तो एक लीनियर है या तो एक क्वाड्रेटिक है। तो एक लीनियर लीनियर का तो मैंने एग्जांपल ले लिया, एक लीनियर क्वाड्रेटिक का भी एग्जांपल ले लेता हूं। x² + 3x x+1, ये दोनों दोनों के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। नहीं फैक्टराइजेबल रहेगी भी तो भी आई डोंट थिंक सो दिक्कत आएगी,
देख लेते हैं और पता चल जाएगा। तो इस वाले जब भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो इस वाले में आप पी एक्स प्लस क्यू को एम स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो। मैं ये चीजें याद होनी चाहिए, पी एक्स प्लस क्यू को क्या करो एम स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, एक्स प्लस वन को एम स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करोगे तो d ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m dm आ जाए। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या हो जाए, dx की जगह ट्वाइस ऑफ m dm ऊपर आ जाए, नीचे जो है x प्लस वन x माइनस थ्री है, तो x की वैल्यू कितने यहां से ला सकता हूँ, m स्क्वायर माइनस कितने आ जाएगी m स्क्वायर माइनस वन, x की वैल्यू आ गई एम स्क्वायर माइनस वन और माइनस थ्री जो ऑलरेडी था वो इज इट इज, है ना, ये पूरा एम स्क्वायर माइनस वन माइनस थ्री और ये तो अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर ही है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ एम एम स्क्वायर माइनस फोर इंटू एम। अब आ गया इंटीग्रेशन की फॉर्म, एम से एम कैंसिल, वहां इंटीग्रेशन ऑफ लगा लोगे तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला एल एन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे टू इंटू वन बाय टू ए इंटू एल एन ऑफ मॉड ऑफ एम माइनस टू डिवाइडेड बाय एम प्लस टू प्लस, और एम की जगह फिर आप अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन सब्सटीट्यूट कर देना। अब जरा सेकेंड वाला आप लोग ट्राई करके देखो, थोड़ा सा इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये तो ईजी था जो मैंने सॉल्व किया, दूसरे वाले में शायद एक नहीं, एक के बाद भी दूसरा सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा। इसको थोड़ा अटेम्प्ट करो, उसके बाद दो चीज और बतानी है, फिर आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई चीज बाकी हो, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है हमको, हमको प्रीवियस ईयर देखना। अब ये फॉर्मूला होता है ना, ये तो वन बाय टू है, वन बाय टू है, ए की जगह भी तो टू है, एल एन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए,
चलो हो गया बेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वन को यहाँ पे भी, तो d ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ से, तो क्वेश्चन जो बच्चा है वहां से अब x प्लस टू कितना हो जाएगा, एक्स की जगह एम स्क्वायर माइनस वन प्लस टू अपॉन इसकी जगह क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस वन प्लस थ्री अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर और ये एम डी एम आ जाएगा। तो ये आप देखोगे ये एम और ये तो कैंसिल हो गया। बहुत लो आ रही है क्या आवाज मेरी, आज थोड़ी तबीयत खराब है यार, आज मैं क्लास नहीं लेता बट इंटीग्रेशन खत्म करना है तो मैं क्लास ले, तो आवाज आज स्लो हो गई मेरी। तो यहाँ ये टू एम डी एम होगा, यहाँ पे टू डी है, तो ये टू तो बाहर आने के बाद में दिस इज एम स्क्वायर प्लस वन बच जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में जब आप देखोगे तो एम की पावर फोर माइनस ट्वाइस एम स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्राइस एम स्क्वायर माइनस थ्री प्लस थ्री डी एम बच जाएगा। माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा दिस डिवाइडेड बाय एम की पावर फोर प्लस एम स्क्वायर, और ये पता है आपको कैसे करना है, ये मैंने बाइक्वाड्रेटिक वाला बताया था ना, हाँ मैं पैटर्न करवा के मैं छोड़ दूंगा बेटा, ये सारे पैटर्न कंप्लीट हो जाए मैं छोड़ दूंगा। दो पैटर्न और बाकी मैं करा देता हूँ उनको जल्दी से, और तो ये वाला बाइक्वाड्रेटिक वाला याद है आपको, बाई क्वाड्रेटिक पैटर्न आ गया, वो अंडर रूट ऑफ 10x वाला जो किया था अपन ने, वाला जो पैटर्न था ना दो तीन क्लास पहले किया था वो वाला। मुझे सिर्फ एक मेन तो रिडक्शन कराना है, बाकी तो सब्सटीट्यूट करके आप ही कर लो, रिडक्शन वाले कुछ फॉर्मूलेस हैं वो मुझे करवाने हैं। चलो बढ़ जाए आगे, अब इसी से मिलते जुलते कुछ एक दो पैटर्न है, प्रीवियस स्लाइड ये वाली के इसके भी पहले, अब जो पैटर्न है अंडर रूट ऑफ वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, और बाहर भी क्वाड्रेटिक और अंदर भी क्वाड्रेटिक, ठीक है।
तो पैटर्न है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा इसको, मैं बस मैं सब्स्टिट्यूशन बता दूंगा बचा हुआ, आप करना। ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला होगा, इनमें जो सब्स्टिट्यूशन है पहले वाले में है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वन बाई टी, और दूसरे वाले में है एक्स इज इक्वल टू वन बाई टी। थोड़ा थोड़ा मैं करके आपको बता देता हूं ताकि एक क्वेश्चन आएगा बेटा, और क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन के ज्यादा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस जेई एडवांस सबके लिए, सारी एग्जाम्स, बट वो थोड़ा सा ना बहुत फंक्शन पे और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें है हमारे पास x प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई ये वन बाई टी, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में टी स्क्वायर आ जाएगा, ये भी वन अपॉन में टी आ जाएगा, ये प्लस वन आ जाएगा, और ये माइनस वन बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी आ जाएगा। अब आप देखोगे जब आप एलसीएम लोगे तो ये वन बाई टी विल रिमेन एज इट इज, माइनस बाहर ले लेता हूँ, आप इसको एलसीएम लोगे तो ये वन प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, और अंडर रूट के बाहर निकालूंगा तो एक टी यहाँ पे आ जाएगा, और ये वन बाई टी स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। अब ये टी स्क्वायर इन दोनों से कैंसिल हो जाएगी और अब स्टैंडर्ड पैटर्न बच गया आपके पास माइनस ऑफ वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाला। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ अंडर रूट के अंदर और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर लेके आ जाओ, ठीक है। नहीं बुकलेट कर रहे हो तो सिंगेज मत करो, इसमें x इज इक्वल टू वन बाई टी सब्सटीट्यूट करोगे तो डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर और माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। तो आप एलसीएम वेल्सियम लोगे माइनस बाहर आ जाएगा वन अपॉन में टी स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन, इंटू डी टी आ जाएगा। अब टी स्क्वायर माइनस वन को एम स्क्वायर पुट कर दो तो टी डी टी इज इक्वल टू एम डी एम, तो जो क्वेश्चन बचेगा एक सेकेंड यार, इसमें कुछ लोचा हो रही है, इसको तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही अपन ब्रेक कर देता तो ही चल जाता।
हाँ मैंने यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ कर दी थी, एक टी खा गया मैं, यहाँ पे टी आएगा। ये होगा एक टी बचेगा, यहां से टी स्क्वायर आएगा, ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो टी आएगा, तो ये टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक टी बचेगा जो कि यहाँ पे आ जाएगा। अब आ रहा है ना, वही मैं बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ थी। अब ये जो टी डी टी है वो एम डी एम आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि एम डी एम डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर है एम स्क्वायर प्लस वन, तो ये एम स्क्वायर प्लस टू और इन टू एम डी एम कैंसिल, अब फॉर्मूला लग जाएगा। वो एक टी का कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए मैंने बोला ये क्या हो रहा है। ठीक है, बट एक टिपिकल पैटर्न है ये, मतलब कि ऐसा आएगा तो ही ऐसा होगा, नहीं तो। मतलब ये वो क्वेश्चन है कि यार पता चले एग्जाम में नहीं आए और इन पे अपन ने बहुत मेहनत करी रटने में, क्योंकि रटने में याद करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए इसको मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया पहले से आपके लिए, कि ठीक है वी आर फोकसिंग ऑन द 90% नॉट द 10% विच इज द टफ पार्ट। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मुझे भी याद नहीं रहता कि ठीक है यार ये आया तो ये पुट करो, ये आया तो ये पुट करो, देख के नजर भी नहीं आते कि ये करोगे तो हो जाएगा, याद ही रखने पड़ते हैं। टी की पावर 4 क्यों आएगा बेटा? सही, चलो बढ़ जाए आगे। अब एक लास्ट चीज बाकी है मुझे बताने की आपको, दैट इज रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन शायद आपके बोर्ड में भी होगा, तो ये क्वेश्चन रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि मैंने इंटीग्रेट करना है 10^n को, अभी एन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ये एन कुछ भी हो सकता है, ये एन आपके पास हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, या कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम रिलेशन निकालते हैं, जैसे कि इसको मैंने नाम दे दिया आई एन, ठीक है। तो अगर मैं एन इक्वल टू 1 होगा तो आई 1 होगा, एन इज इक्वल टू 2 होगा तो आई 2 होगा, एन इज इक्वल टू 3 होगा तो आई 3 होगा। तो वॉट वी डू इज वी जनरली ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द हायर पावर्स एंड द लोअर पावर्स। लाइक मैं आई एन और आई फोर, i4 और i2 में एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दैट इज द रिडक्शन फॉर्मूला, दैट इज द रिडक्शन कॉन्सेप्ट। बताता हूँ कैसे, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये आई एन है, अच्छा आई एन ये है, तो मुझे ये बताओ तो आई एन माइनस वन क्या कितना होगा? आई एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ 10^n-1 एक्स डी एक्स होगा, राइट। आई एन माइनस टू निकालोगे तो एन की जगह एन माइनस टू पुट कर लेना, आई टेन निकालोगे तो टेन एन की जगह टेन पुट कर लेना। अब इसको जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आई एन इज इक्वल टू 10^n-2x इंटू 10^2 लिख सकता हूँ मैं, मैथमेटिकली पॉसिबल है। पावर को ब्रेक किया, एन माइनस टू अलग किया और टू अलग किया, इसमें मेरे पास फायदा ये हो गया है कि 10^n-2x तो है मेरे पास, 10^2 को मैं लिख सकता हूँ sec^2x-1 dx, और इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो आई एन जो है, आई एन मेरे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10^n-2x इंटू sec^2x-10^n-2x, राइट। ये दो अलग अलग आ गए, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो आप एक थोड़ा सा चीज नोटिस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आई एन माइनस टू आ जाएगा। तो देयर फोर यू कैन राइट इट लाइक आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
10 raised to the power n minus 2x into sec square x into dx minus of integration of 10 की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ आई एन माइनस टू, और ये क्या आ जाएगा ये आप देखोगे तो इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ बट आपको समझ में आना चाहिए। टेन एक्स को अगर m पुट करूंगा तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी एम हो जाएगी, m की पावर n माइनस टू का इंटीग्रेट करूंगा तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 10 की पावर n माइनस वन एक्स द होल डिवाइडेड बाई n माइनस। ये अपने पास एक रिलेशन आ जाएगी आई एन और आई एन माइनस टू के बीच में, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर 10 की पावर एन माइनस सिक्स, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर। अब जैसे कि 10 स्क्वायर एक्स और इसमें रिलेशन निकालना है अपन को, तो मैं इसको लिख सकता हूं आई फोर इज इक्वल टू 10 क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ आई टू, राइट। तो ये कभी कभी आपको एक क्वेश्चन कैसा आएगा, ऑप्शन जो रहेगा ना एग्जाम में वो ऐसा रहेगा भाई आई फोर प्लस आई टू कितना होगा, आई फोर प्लस आई टू हो जाएगा 10 क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3। इस टाइप के कुछ भी मतलब n n माइनस टू में रिलेशन डायरेक्टली पूछ सकते हैं या फिर दो अलग अलग वैल्यूज में पूछ सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला। तो ऐसे 10 की पावर nx का अपन ने निकाला है, आपको शायद आप एक बार आपके उसमें देखना sec की पावर nx का भी निकलता है, cosec की पावर nx का भी निकलता है, cot की पावर nx का भी निकलता है, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फंक्शन ही अलग रहते हैं और उनका भी निकालते हैं। फंडा ये है, एक दो क्वेश्चन और मैं इसके करा देता हूँ एंड देन आई विल एंड द क्लास, बट इसकी प्रैक्टिस करना आपकी बुक्स में देखना, बोर्ड्स में शायद अगर है तो आएगा। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ता है बेटा हर एक क्वेश्चन। हाँ मैंने ग्रुप पे भेजी थी ना शीट बेटा। उसको सॉल्व कर लोगे तो 90-80% जेई मेंस लेवल आराम से हो जाएगा, मतलब 80-90% क्वेश्चन करने की कंडीशन में आ जाओगे आप जेई मेंस के। वो धीरे धीरे लेवल बढ़ाया उसमें, लेवल वन है फिर लेवल टू है फिर लेवल थ्री। नेक्स्ट वीक से आपको कुछ अपडेट है क्या, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन शेड्यूल में आने वाला है या क्या कुछ, देयर एनी न्यूज सॉर्ट ऑफ थिंग? And what about the other second track? कितना हो, कहां तक पहुंच गया? Determinant matrices चल रहा था, right? Complex number खत्म हो गया। Okay. अच्छा, integration complete हो गया क्या दूसरी advanced की batches में? तो डेफिनेट भी खत्म हो गया है या फिर क्या है? डेफिनेट भी खत्म कर दिया है क्या? अच्छा डेफिनेट ही स्टार्ट किया है, बहुत जल्दी करवा दिया है इनडेफिनेट। तो डेफिनेट अपन को वो जे एडवांस में बहुत डिफरेंस आता है बेटा, मतलब जे एडवांस का फेवरेट टॉपिक है डेफिनेट। हमारे जो जेई मेंस लेवल तक आता है इसमें इतना दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्चुअल आता है, और जे एडवांस में तो कुछ भी आता है, मतलब डेफिनेट एक्सट्रीम आता है, मतलब एकदम फेवरेट टॉपिक है जेई एडवांस के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन, सब कुछ यूज कर लेता है, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस, पूरा इंटीग्रेशन। मेंस का फेवरेट टॉपिक कौन सा है? मेंस में सब एक एक दो दो क्वेश्चन पूछते हैं,
और जेई एडवांस में तो मतलब वो डेफिनेट पूछते हैं तो उसमें सब घुस जाता है, तो इसीलिए इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मेंस में नहीं होते हैं। इसीलिए अपने ट्रैक में इसके बाद डेफिनेट के बाद में एरिया अंडर कर्व के बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ज्यादा टाइम लगता है वो डेफिनेट में ही लगेगा जो लगेगा, बाकी एरिया अंडर कर्व तो एक कॉन्सेप्ट है बस, वो खत्म हो जाएगा और क्या। 1 महीना 2 महीने, अक्टूबर नवंबर तक खत्म कर देंगे। लेक्चर्स पढ़ सकते हैं शायद आपके दिवाली के पहले, आई एम नॉट श्योर, 1 ही वीक तो बाकी है, बट अभी फिर जेई मेंस का सिलेबस बाकी है, वो तो एकदम एंड में करवा देंगे। 4 क्लास 3 क्लास लगेगी बस, 2-3 चैप्टर। चार्ज और डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी है बेटा, सिर्फ 4-5 ही हॉलीडे है क्या, या 4 से 7 हॉलीडे? हाँ चलेगा, वो फाइन चलेगा, उतनी भी चलेगी, 4 एंड 5 ही है बस। अरे यार फोर को तो दिवाली है, चलो चलो 1 में करा देता हूँ sec की पावर nx का, नहीं तो sec नहीं, इसको sec करवा देता हूँ। cosec square x इंटू cosec ऑफ, हाँ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, cosec की पावर nx का रिडक्शन फॉर्मूला करते हैं, प्रीवियस स्लाइड में 10 की पावर n का किया था। इंटीग्रेबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, कोसेक की पावर n माइनस 2x, कोसेक x का इंटीग्रेशन कितना होता, माइनस कोट x, राइट, प्लस माइनस सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस 2 कोसेक की पावर n माइनस 3x एंड कोसेक x का कोसेक x कॉट x, n माइनस 2 कोसेक की पावर n माइनस 3x कोसेक x कॉट x, That to be with the minus sign. ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन तो यही आएगा माइनस कॉट एक्स, और जो डी एक्स रहेगा, मतलब मैंने कौन सा लगा दिया, यूवी रूल लगा दिया बाय पार्ट्स। कोसेक की पावर एन माइनस 2x कॉट ऑफ एक्स माइनस n माइनस 2 n 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक की पावर n माइनस 2x इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, और ये माइनस n माइनस 2 कोसेक की पावर एन माइनस 2x इंटू कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये माइनस ऑफ एन माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक की पावर एन एक्स ठीक है, एंड माइनस की जगह प्लस एन माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एन माइनस 2 एक्स डीएक्स,
और यहाँ पे ये जो था आई एन माइनस ऑफ कॉसेक की पावर एन माइनस टू एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये वाला पार्ट जो है ये पूरा आई एन ही है, तो इसको पूरे को उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो एन माइनस वन बचेगा, एन माइनस वन इंटू आई एन बच जाएगा, और ये माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ एन माइनस टू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस एन माइनस टू इंटू आई एन माइनस टू, ये आ जाएगा आपका रिडक्शन फॉर्मूला। एन माइनस वन को यहां से डिवाइड कर दो दोनों को इंडिविजुअली, चलो आई एम डन देन, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट चालू करेंगे बेटा, वो शीट मैंने भेजी है उसको प्रैक्टिस करना बेटा, प्रीवियस पेज ये लो, हाँ दोनों लेक्चर का अपलोड कर दूंगा मैं बेटा रिकॉर्डिंग।